दोस्तों, ओल्डीज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर बंदा परेवर थाम लो जिगर, बन के प्यार में आया हूँ, किस्मत में आपके हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। तो मैं आज आपको एक होम्योपैथी की सुप्रसिद्ध दवा जो हर तरह के कमजोरी के अंदर काम में ली जा सकती है, विशेष करके सेक्स की कमजोरी में तो काम आती है, अलावा उसके भी बहुत अच्छी और कई बीमारियों को ठीक करती है। ये एक खास दवा है जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड 30 पोटेंसी। फॉस्फोरिक एसिड कह दो चाहे एसिड फॉस्फोरिक कह दो, एक ही बात है। तो इसका मदर टिंचर भी काम आता है। मदर टिंचर जहाँ लिखना होता है तो उसकी खुराक मदर टिंचर की 7 बूंद, इससे अधिक नहीं ले, क्योंकि खट्टा होता है। और जहाँ पोटेंसी का है सवाल, तो वही मैं एक ही बात को बार बार नहीं कहूँगा, जो अपने ये सेक्स की जो प्रॉब्लम है, ये यांत्रिक रोगी अंदर के रोगी आते हैं, तो इनके अंदर 30 पोटेंसी दिन में 4 बार, दिन में 3 बार और दिन में 5 बार, और दिन में मौका आए तो 6 बार, यानी कि 2-2 घंटे के अंदर भी आप रिपीट कर सकते हैं। फास्फोरिक एसिड बहुत प्यारी दवा है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि स्नायविक तनाव और पेशियों की कमजोरी और शारीरिक कमजोरी, पेट में वायु के कारण आंतों में परेशानी होना और हड्डियों से संबंधित रोगों को ठीक करने के लिए ये उपयोगी औषधि है। ये औषधि ऐसे रोगियों को ठीक करने के लिए उपयोगी है जो पहले बहुत तंदुरुस्त रह चुके थे। ये एक ध्यान में देने की बात है। कोई पेशेंट आके कहता है कि आज से 4-6 महीना पहले या 12 महीना पहले तो मैं बहुत बिल्कुल स्वस्थ था, मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी, अब पता नहीं क्या हो गया है जो मेरे को तकलीफ होती। यानी कि वो कुछ महीने पहले बिल्कुल तंदुरुस्त था और अब हड्डियों का ढांचा रह गया, कमजोरी आ गई। अगर इस तरह का कोई पेशेंट हो, उसे बीमारी क्या है उसको मारो गोली और फॉस्फोरिक एसिड 30 की 15 दिन की खुराक दे दो, 21 दिन की दे दो, दिन में 3 बार। और फिर जब कमजोर हो जाता है आदमी तो पेट में खाता है तो भूख तो लगती है, तो कोई गर्म चीज़ चली गई खाने में, लहसुन वगैरह कई चीज़ें ऐसी है, तो उसके बाद उसको कमजोरी के अंदर स्वप्न दोष होने लग जाता है। और जिनको स्वप्न दोष की वजह से कमजोरी है वो तो इस दवा के पात्र हैं ही, और कमजोर होने के बाद स्वप्न दोष होना शुरू हो वो भी इसके क्षेत्र में आते हैं। हस्तमैथुन स्त्री प्रसंग अनुचित बुरे कार्य करने के कारण वीर्य को नष्ट जो करते हैं, जिसके कारण उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है और कमजोरी अधिक हो जाती है। फास्फोरिक एसिड का रोगी कभी भी आपको हष्टपुष्ट और तंदुरुस्त नहीं मिलेगा, वो आपको अपनी कमजोरी के बारे में 2-4 बातें बताएगा, मेरे पांव दुखते हैं, मेरी गर्दन दुखती है, मन नहीं लगता है, ताज़ा नहीं उठता हूँ। तो उन सब के पीछे हिस्ट्री के अंदर यही आएगी अधिकतर कि
हस्तमैथुन किया और किया, इनकी वजह से यह कमजोरी आई है। तो ऐसे रोगी जो कमजोरी हो जाती है तो उनका कहीं मन नहीं लगता, मानसिक थकावट अधिक होती है, घबराहट होती है, अकेले चुपचाप रहना पसंद करते हैं, नामर्दी, धातु क्षीणता, हाथ पैर कांपना, धड़कना, याददाश्ती कमजोर होना, थोड़ी मेहनत से थक जाना, जवानी में बूढ़े जैसा दिखना, जवानी में बूढ़े जैसा दिखना। तो डॉक्टर के सामने जब रोगी बैठा है तो उसके चेहरे पे सलवटें, आंखों का रंग पीला या चेहरे पे ललाई, ये नहीं दिखते। तो डॉक्टर जो होशियार होता है वो एक सेकंड के अंदर भाप जाता है कि ये आदमी काफी वीक है, कमजोर है, क्योंकि उम्र तो 20-30 साल और लगता है, 60-70 साल जैसा। फास्फोरिक एसिड उन स्त्री और पुरुषों के लिए भी उपयोगी है जो जल्दी ही बढ़ते हैं और अत्यधिक मानसिक व शारीरिक परिश्रम करने के कारण थक जाते हैं, उनकी वजह से कमजोरी होने पे ये लाभ करती है। इसके रोगी की मानसिक अवस्था, शरीर में बहुत अधिक कमजोरी आना, याददाश्ती कमजोर होना और रोगी निर्जीव सा लगता है, रोगी का मन किसी भी कार्य के में नहीं लगता और किसी भी शब्द की पहचान करने में परेशानी होती है, किसी भी विषय के बारे में समझने में परेशानी होती है, अधिक शोक होता है और मानसिक आघात होता है जिसके कारण कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, अधिक रोना धोना और बड़बड़ाना, इस प्रकार के लक्षण होने के साथ ही रोगी को ठंड भी लगती है और अधिक निराशा होती है। तो इस प्रकार के अगर रोगी के मन के और मानसिक लक्षण अगर होते हैं तो उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। ये एक ध्यान में देने की बात है कि इसका रोगी का एक स्ट्रक्चर आप बनाइए, अपने मन के अंदर ही कल्पित बनाइए। अगर कोई हष्ट पुष्ट सलमान खान जैसा आपके सामने आ गया बैठ, बलिष्ठ, उसकी ये दवा नहीं है, चाहे उसको स्वप्न दोष होता हो, चाहे उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम होती हो, वो फॉस्फोरिक एसिड से ठीक नहीं होगा, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड का जो पेशेंट होता है दुबला पतला थका हुआ कमजोर होता है। अगर वो तकड़ा होता तो वो आता ही क्यों, डॉक्टर के पास ही क्यों आता। हाँ, इसके रोगी के सिर के जो लक्षण हैं, सिर में दर्द होने के साथ ही भारीपन महसूस होना, ये सब कमजोरी की वजह से होता है और रोगी भ्रम में पड़ा रहता है। रोगी के लिए दर्द सिर के अंदर होता है और ऐसा महसूस होता है कि दोनों कनपट्टियां एक साथ पिसी जा रही हो। सिर दर्द का लक्षण है कि ये दोनों कनपट्टियां एक साथ जैसे पीसी जा रही हो, इस तरह की अनुभूति दर्द की होती है और सिर को झटकने या शोर मचने पर रोग का रोग बढ़ जाता है। सिर में ऐसा दर्द होता है जैसे कि सिर को कुचला जा रहा है, तो कुचलने का लक्षण आर्णिका के अंदर भी है। तो अगर रोगी इतिहास दे कि मेरा सिर बहुत दुखता है लेकिन मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ, दीवार से गिर गया काम करते हुए, उसके बाद से ही दुखता है और मेरे को स्वप्न दोष होते हैं, तो हर डॉक्टर क्या प्राय उसको फॉस्फोरिक एसिड देंगे? वो नहीं देना चाहिए, उसकी दवा दूसरी ही देनी चाहिए, क्योंकि उसके जो लक्षण हैं
कुछ ले जाने जैसा, तो अगर फास्फोरिक एसिड देना ही है तो एक खुराक आर्निका मंटेना, जो कुचलने जैसी शरीर में कोई भी तकलीफ हो। रोगी एक ही बात कहता है कि मेरे दर्द की अनुभूति मुझे कुचलने जैसी होती है, चाहे कहीं से गिर गया या 25 साल पहले भी गिर गया, अभी गिर गया, या इससे कोई लेना देना नहीं, फसलियों में दर्द यूं होता है जैसे कोई कुचला जाता है, हाथों में दर्द ऐसे होता है जैसे कोई कुचला जाता है, तो उसकी दवा आर्निका मोंटेना है। तो रोगी स्वप्न दोष वगैरह के लक्षण तो फॉस्फोरिक एसिड के दे रहा है, और शरीर में वात के दर्द के लक्षण आर्निका मोंटेना के दे रहा है। तो फॉस्फोरिक एसिड दीजिए और उसके साथ में आर्निका मोंटेना हाइपोटेंसी 7-7 दिन में 1-1 हज़ार में दें, ताकि उधर उसका कुचलना पुचलना ये दर्द ठीक होंगे और इधर एसिड फॉस से उसकी कमजोरी जाएगी, स्वप्न दोष या टाइमिंग की जो भी उसको प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई। संभोग क्रिया करने के बाद आंखों पर अधिक दबाव महसूस होता है और हल्का हल्का सिर में दर्द होता है। दोपहर के समय में खड़े रहने पर, टहलने पर चक्कर आते हैं। इस प्रकार के सिर से संबंधित लक्षणों में से यदि एक भी लक्षण किसी व्यक्ति को दिखे तो उसके रोग को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। आँखों से संबंधित लक्षणों में आँखों के चारों ओर काले दाग पड़ जाते हैं, पलकों में जलन होती है, पुतलियाँ फैल जाती है और ऐसा लगता है कि आँखों में शीशे के टुकड़े चले गए हैं। आँखों के दर्द में इस तरह की अनुभूति होती है, कईयों को तो यूं अनुभूति होती है कि बाल चला गया तो वो मसलता रहता है दर्द में, कईयों को यूं अनुभूति होती है कि मच्छर चला गया तो रगड़ता रहता है। लेकिन इस दवा का जो लक्षण है वो ये कि रोगी को ऐसा महसूस होता है दर्द जैसे कांच के टुकड़े चले गए हैं, जिसके कारण दर्द होता है। सूर्य की किरणों को देखने का मन नहीं करता, जब सूर्य की किरणों को देखते हैं तो बिल्कुल इंद्रधनुष के रंग में दिखाई देते हैं, आंखें बहुत बड़ी महसूस होती है, हस्त मैथुन करने वालों का धुंधलापन दिखाई देता है, आंखों से संबंधित कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, दृष्टि तंत्रिकाएं निष्क्रिय महसूस होती है, रोगी को ऐसा महसूस होता है कि दोनों नेत्र गोलकों के एक साथ और सिर के अंदर की ओर दबाया जा रहा है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई एक लक्षण है तो फॉस्फोरिक एसिड देने से वो रोगी ठीक होगा। इसके रोगी के कान के लक्षण, रोगी के कानों में गर्जने जैसी आवाज सुनाई देती है कान की बीमारी में, और सुनने में परेशानी होती है, शोरगुल माहौल में रहना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के नाक के जो लक्षण, नक्सीर का होना अर्थात नाक से खून का बहना, इसके साथ ही रोगी अपने नाक को खोदता रहता है, नाक के अंदर खुजली मछली रहती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। रोगी का जो होंठ है वो सूख जाते हैं और फटे रहते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है और मसूड़े दांतों से अलग हो जाते हैं, जीभ सूजी हुई रहती है तथा जीभ पर सूखापन होने के साथ ही चिपचिपी परत जीभ पर जम जाती है तथा जागदार कफ भी निकलता है, दांत ठंडे महसूस होती है, रात को अपने दांतों से जीभ कट जाती है। यहाँ मैं रुकता हूँ। देखिए ये है, इनकी मदद ले सकते हैं, ये है इनकी मदद ले सकते हैं, 4-5 जगह से मदद मिल जाए तो आदमी का कार्य हो जाता है, आपका भी और मेरा भी। तो यहाँ पर रुक गया मैं, मेरे को अपने आप ही रोक देती है ये दवाई का नाम, मैं क्या कर सकता हूँ।
इसमें लिखा है कि रात को अपने दांत से जीभ कट जाती है। इसमें सुधार ये करिए कि रोगी की खुद की जीभ खुद से ही दब जाती है और खून निकल जाता है या फुंसी हो जाती है, तो इसमें रात का समय नहीं। जैसे कोई से बात कर रहे हैं तो अपनी जीभ खाने में आ जाती है, मतलब कट लग जाता है, अथवा खाना खा रहे हैं तो भी कट लग जाता है, या वैसे ही अपने विचारों में बैठे हैं तो अंदर ये तो हिलते रहते हैं, वैसे ही कट लग जाए। तो अगर इस तरह का कोई लक्षण है किसी रोग के अंदर तो फॉस्फोरिक एसिड देने से ये उसका जीभ का जख्म खाने से अपने हाथ से ही वो ठीक हो जाता है। और उसके अलावा उसके शरीर में कमजोरी से पैदा जो दवाइयाँ बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, रोगी बता नहीं पाए तो उसकी जीभ को ज़रूर पूछना चाहिए। हाँ, आगे मैं बता रहा हूँ आपको, इसके रोगी के चेहरा मटमैला फीका दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे तनाव महसूस होता है, चेहरे पर कुछ लेप पूता हुआ, चेहरे के एक और ठंड महसूस होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को फॉस्फोरिक एसिड देना चाहिए। पेट से संबंधित लक्षणों में रोगी को रसीले पदार्थों का सेवन करने की इच्छा होती है। रसीले तो अब कहाँ, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुड्ढा मिल गया, होय होय बुड्ढा मिल गया, हाय हाय बुड्ढा मिल गया, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुड्ढा मिल गया। अब मिठाई का जिक्र आ गया तो हम भी क्या करें, हमारे हाथ की बात नहीं है। रोगी को रसीले पदार्थ, रसीले पदार्थ का मतलब होता है रबड़ी, है रबड़ी के अंदर रसगुल्ले डाल करके खाने का एक अलग ही लुत्फ है। हाँ, अब तो वैसी चीज ही नहीं बनती, क्या खाएगा। खट्टी डकार आती है, खा तो लेता है, खट्टी डकार आती है, जीभ मिचलाने लगता है ज़्यादा खाने से। खट्टी चीज़ें खाने के बाद इस प्रकार के लक्षण होते हैं, पेट में दबाव महसूस होता है और भोजन करने के बाद ठीक प्रकार से नींद नहीं आती है, ठंडा दूध पीने का मन करता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के आंतों में फैलाव होता है और खमीकरण प्लीहा बढ़ जाती है और नाभि प्रदेश में हल्का हल्का दर्द होता है, पेट में जोरों की गड़गड़ाहट होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के मानसिक लक्षण, सॉरी मल के लक्षण, दस्त के लक्षण, दस्त रोग से पीड़ित रोगी का मल सफेद पानी की तरह होता है तथा इसके साथ ही पेट में भी दर्द होता है तथा साथ ही मल त्याग करते समय मल द्वार से वायु भी निकलती है। रोगी को कमजोरी अधिक महसूस होती है, अधिक कमजोरी, कमजोर बच्चों को इस प्रकार के दस्त आते हैं। इस प्रकार के लक्षण का कोई चाइल्ड हो तो उसको फॉस्फोरिक एसिड देना चाहिए। पेशाब संबंधी लक्षणों में रोगी को बार बार पेशाब आता है। यहाँ मैं रुक गया, देखिए एक तो ठंड के मौसम में पेशाब अधिक आता है और एक बारिश के मौसम में पेशाब अधिक आता है, शरीर के अंदर नमी बढ़ जाती है तो पेशाब अधिक आता है और प्यास कम लगती है। तो बूढ़े वर्ग व्यक्ति होते हैं, जैसे मैं बूढ़ा ही हूँ, तो रात को दो तीन दफ़े पेशाब करना, उठ के जाना पड़ता है। तो रात के समय बूढ़ा आदमी अगर पेशाब करने के लिए जाता है तो उसको बहुत अपने हिसाब से चलना पड़ता है, अभी कहीं पलंग से ही गिर गए, कुल्ला टूट गया और टूट गया। बूढ़ापे की 50 बीमारियाँ होती है, करता तो वही है जो संसार का मालिक है, वही करता है, लेकिन उसको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। तो इस तरह के जो बूढ़े व्यक्ति हैं
तो उनको बार बार पेशाब आता है। अगर किसी को इसके साथ में डायबिटीज है तो सोने में सुहागा, एसिड पोस्टिस पोटेंसी दिन में 5 बार कंटिन्यू कर दीजिए, उसकी डायबिटीज कंट्रोल होगी और बार बार पेशाब जाने की इच्छा भी कम होगी। और अगर डायबिटीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और अवस्था है बार बार पेशाब करने की, तो एसिड फास्ट इसकी 3 खुराक 15-20 दिन लेने से 3 बार पेशाब करने वाला व्यक्ति, बूढ़ा या जवान जो भी है, वो 2 बार 1 बार ही पेशाब करेगा। अब 1-2 बार तो करना ही है करना, तो हाँ, इसके साथ ही जो इसका पेशेंट होता है तो उसके पेशाब में दूध जैसा सफेद पदार्थ भी जाता है। तो बहुत से कहते हैं कि हमारे पेशाब में सफेद, वो यूं कहते हैं कि वीर्य निकलता है। देखिए, अकेला वीर्य नहीं है जो वही निकलता है, फास्फेट भी निकलते हैं और कई चीजें निकलते हैं। तो 20-25 रुपए लगते हैं, अपने पेशाब की जांच करा लेनी चाहिए। और वीर्य ही अगर निकलता है तो वीर्य के अंदर चिपचिपापन होता है और होता है, तो उस हिसाब से दवा लेनी चाहिए। पेशाब में मतलब सफ़ेद रंग का वो निकलता है, मटमैले रंग का नहीं। और इस तरह का डायबिटीज के रोगी को ज़्यादा होता है। पेशाब करने के बाद जलन होती है, रात के समय में बार बार पेशाब आता है, पेशाब में अधिक मात्रा में फास्फेट पदार्थ आता है। आ गया ना, मैंने फास्फेट ही बोला था। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई भी रोगी में लक्षण हो तो उसको ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आया हूँ, फिर वही दिल लाया हूँ उसके ऊपर, पुरुष रोग उससे संबंधित लक्षण। रोगी को रात के समय में मल त्याग करते समय वीर्यपात हो जाता है। रात के समय में अगर टॉयलेट जाता है, लेटरिन जाता है, तो उस समय पेशाब के साथ वीर्य निकल जाता है। वीर्यपात होते ही रोगी को जलन होती है, संभोग करने की शक्ति घट जाती है, अंडकोश को छूने पर दर्द होता है, अंडकोश सूजा हुआ भी रहता है, आलिंगन करने के समय लिंग ठंडा शीतल पड़ जाता है। अब बताओ ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है। अरे कोई प्रेमी अपनी मासूका से मिलने जाता है तो उसको आलिंगन तो करेगा ना, वो भी करिए, तो वक्त का तकाजा संसार में जो होता है वो तो होगा, मेरे ना कहने से कुछ नहीं होगा, होना भी चाहिए। लेकिन जो ये पेशेंट है, फॉस्फोरिक एसिड का पेशेंट है, कमजोरी है अंदर, तो वो अपनी प्रेमिका या पत्नी का आलिंगन करता है तो उस वक्त लिंग तनाव में आना चाहिए, जहां उल्टा सिंगल गिर जाता है, क्या करूं, और ढीला पड़ जाता है। मल त्याग करने के समय भी लिंग ढीला पड़ा रहता है, आदमी लेटरिन जाता है तो भी ढीला रहता है, अंडकोश में अकोता रोग हो जाता है, किसी के अंडकोश में स्किन का कोई दाद वगैरह हो जाना, लिंग की चमड़ी पर सूजन आ जाती है तथा लिंग की सुपारी पर भी सूजन आ जाती है, लिंग पर घाव हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसके रोग को दुरुस्त करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। बहन बेटियों के लक्षणों में मासिक स्राव नियमित रूप से पहले आता है, अधिक आता है, और इसके साथ ही लीवर में दर्द होता है। रोगी स्त्री के योनि के आसपास खुजली होती है और इसके बाद मासिक स्राव होता है और स्राव पीले रंग का होता है। रोगी स्त्री के स्तन में दूध नहीं बनता है और स्तनपान कराने के कारण शरीर का स्वास्थ्य नष्ट होने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों में
कोई भी एक लक्षण किसी व्यक्ति या औरत को मिल जाए तो फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करने से उसकी बीमारी ठीक होगी। श्वास संबंधी सिम्टम्स, जो अपन श्वास लेते हैं, रोगी को मानसिक तनाव अधिक होता है और गले के अंदर खराश उत्पन्न हो जाती है, छाती में सुर सराहट होने के कारण सूखी खांसी होती है और नमकीन बलगम निकलता है, सांस लेने से परेशानी होती है, बोलने से छाती में कमजोरी महसूस होती है, उरोस्थि के पीछे दबाव महसूस होता है और जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। हृदय संबंधी लक्षण, ये हार्ट की भी बहुत अच्छी दवा है, जो कमजोरी के अंदर धड़कन बढ़ना और बढ़ना हार्ट को मजबूत करने वाली दवा है। तेजी से बढ़ने वाले बच्चे, अनुचित कार्य करने वाले या हस्त मैथुन करने के कारण उत्पन्न रोग और इसके साथ ही हृदय की धड़कन अनियमित, कभी तेज हो जाए कभी कम हो जाए, नाड़ी अनियमित रूप से चलती है या रुक रुक कर चलती है। इस प्रकार के लक्षणों को पीड़ित के रोगी को ठीक करने के लिए एसिड फोर्स का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के पीठ के लक्षण है, ये जो खंधे हैं इनके बीच में इस तरह का दर्द होता है जैसे छेद किया जा रहा हो और कमर व हाथ पैरों में पिटाई किए जैसा जाने जैसा दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। संबंधित लक्षण, शरीर में अधिक कमजोरी महसूस होती है और शरीर के हड्डियों के जोड़ों पर दर्द होता है और अस्थि आवरकों में फाड़ता हुआ दर्द होता है, ऊपरी बाहों के ऊपर कलाइयों में ऐंठन होती है, ये बाहों के ऊपर कलाइयों में ऐंठन होती है। शरीर में अधिक कमजोरी महसूस होती है, रात के समय में शरीर के कई अंगों से अधिक दर्द होता है और हड्डियों में ऐसा दर्द होता है जैसे खुरचा जा रहा हो। अब ये दर्द खुरचा जा रहा हो तो ये ऐसे गड़ने जैसा नहीं होता, ये खुरचा जाना, ये मान लीजिए चक्कू है, अपन कोई चीज को खुरचते हैं ना, जैसे यहाँ कोई चीज जम गई तो उसको खुरच के उतारते हैं, वो यूं नहीं उतरती है, तो वैसा अगर दर्द हो, चलने पर अपने आप ठोक कर लगना, ध्यान रखें आप, इसके रोगी का मन एकाग्र नहीं होता, वो जब चलता है अच्छे रोड के ऊपर चलता है फिर भी उसको पता नहीं चलता, आप ध्यान दीजिए, ऐसे बीमारी के न मालूम कितने पेशेंट मैंने देखे हैं, लेकिन मैं उनको ये तो नहीं कह सकता कि तुम मेरे पास आओ और ये दवाई खाओ, मैं नहीं कह सकता, मैं कैसे कहूं, और ये तकलीफ क्या होती है मैं आपको बताऊं, बिल्कुल स्वस्थ आदमी, निरोग आदमी चलता है, न कोई कंकर आया, न कोई पत्थर आया, न कोई लकड़ी आई, न कोई भीड़ आई, और एकदम से ऐसे पांव जैसे पत्थर के नीचे आ जाता है, इस तरह वो मतलब गिरता भी नहीं है जमीन के ऊपर इस तरह से, और कभी गिर भी जाता है तो इस तरह की फीलिंग होती है, यानी कि जैसे ठोकर लगने के बाद आदमी यूं होता है ना, उस तरह की फीलिंग होती है, और गलत कदम पड़ते रहते हैं, उंगलियों के बीच व हड्डियों के मोड़ों पर खुजली होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। फुंसियां, मुहासे, खूनी फोड़ा भी ठीक हो जाता है, ऐसा घाव हो जाता है जिससे बदबूदार पीप निकलती है, ऐसा घाव हो जाता है जिसमें जलन होती रहती है, शरीर के अनेकों त्वचा पर ऐसा महसूस होता है कि कुछ चल रहा है, जैसे ये हाथ है तो यूं लगता है कि कोई कीड़ी वीड़ी चल रही है, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, फिर बहम वहीं जाता है, जबकि कोई जीव जंतु नहीं है, ये एक फीलिंग होती है कि जैसे कोई चीज चल रही है। बुखार होने के साथ ही त्वचा पर फोड़े और फुंसियां हो जाती है,
इस प्रकार के रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। नींद से संबंधित लक्षणों में रोगी को अधिक नींद आती है, रोगी को संभोग करने के सपने आते हैं और वीर्यपात हो जाता है। रोगी को सपना आता है तो उसमें वो सोचता है कि मैं सेक्स कर रहा हूँ, और हकीकत में ही वो सोचता है कि मैं सेक्स कर रहा हूँ, और सेक्स करने के बाद में वीर्य निकलता ही है, तो इस तरह से नाइटफॉल हो जाता है। अगर ये किसी को तकलीफ है वो फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करे, ठीक हो जाएंगे। रोगी को ठंड लगती है, इसके साथ ही बुखार भी हो जाता है रात के समय, और सुबह के समय पसीना अधिक आता है। इसके साथ ही रोगी का दिमाग ठीक तरह काम नहीं करता। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के शरीर में आलस्य हो जाता है तथा मन उदास रहता है, नींद आती रहती है। टाइफाइड या टाइफस रोग होने के साथ ही रोगी बेहोशी में बड़बड़ाता है। ये टाइफाइड की भी एक बहुत सुविख्यात दवा है, लेकिन इसका लक्षण खास ये है कि टाइफाइड बुखार के अंदर बड़बड़ाना, अगर जहाँ ये लक्षण आ गया तो फॉस्फोरिक एसिड उसके टाइफाइड को ठीक कर देगा। रोगी एक तरफ बेहोश पड़ा रहता और उसके चारों तरफ जो कुछ होता है वह कुछ भी उसे मालूम नहीं होता है, लेकिन जागने पर वह पूरे होश के साथ बात करता है, धीरे धीरे प्रश्न का उत्तर देता है और फिर से बेहोश हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड देना चाहिए। शीत से संबंधित लक्षण, रोगी के सारे शरीर में कंपन होता है, उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को अधिक गर्मी लगती है और वह बेहोश पड़ा रहता है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को पसीना बहुत ज़्यादा आता है और शरीर में कमजोरी महसूस होती है, प्यास केवल पसीने की अवस्था में रहती है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी का रोग कब बढ़ता है? परिश्रम करने से, किसी से बात करने पर, जैविक द्रव्यों के नष्ट होने से तथा अत्यधिक संभोग करने से इसके रोगी की तकलीफें बढ़ती है। और इसके अलावा आराम कब मिलता है, शमन यानी कि तकलीफ का कम कैसे होना, हाथ पैर चलाने से, नम मौसम में शरीर को गर्म रखने से रोग के लक्षण कम होने लगते हैं। अब वे डिप्रेशन में की वजह से अगर दस्त आते हैं तो एसिड फॉल्स कभी कभी देना चाहिए। काली खांसी और इसके साथ दमा, दमा रोग, इस प्रकार के रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए इनोथेरा वियनिस्ट औषधि का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसी प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड औषधि का प्रयोग करते हैं। अतः इनोथेरा वियनिस्ट औषधि के कुछ गुणों की तुलना फॉस्फोरिक एसिड से की जा सकती है। दस्त हो जाता है और पानी की तरह का मल होता है, जीभ सूखी रहती है, पेट में दर्द होता है, आंखें अंदर की ओर घसी रहती है, इसके आगे नीले घेरे पड़ जाते हैं, नींद ठीक तरह से नहीं आती है। इस प्रकार के रोगी को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। नक्स ओमिका और पिक्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड और चाइना और फास्फोरस, इसके टक्कर की इस जैसे काम करने वाली दवाइयां हैं। शरीर में कमजोरी लाने वाली, पसीना आता है और पतले दस्त में चाइना के पहले या बाद में फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, कुल मिला के
ये अपने अपने विचार होते हैं। मैं एक मिनट बोलूँगा, मेरे को पता नहीं ये वीडियो कितना बना, दिखता भी नहीं है, तो जाने दीजिए। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए। फॉस्फोरिक एसिड या एसिड फास तो हर एक सेक्स के रोगी के लिए डॉक्टर लिखते हैं, फिर रिजल्ट नहीं आता है, तो इसमें न डॉक्टर का कसूर न रोगी का कसूर, उसके पूरे लक्षण मिलने के बाद ही रिजल्ट आएंगे। जब डॉक्टर ये महसूस करता है कि वाकई ये रोगी एसिड फास का है, तो वो उसकी इच्छा के ऊपर है। अगर उसको दो तीन ताकत के मदर टिंचर दिए जा रहे हैं, तो उनके साथ में एसिड फास का मदर टिंचर भी 5-7 बूंद शामिल कर देना चाहिए, और नहीं तो इसकी 30 पोटेंसी की 3 खुराक दे सकते हैं, विशेष परिस्थितियों में 4 खुराक दे सकते हैं, 15 दिन दे सकते हैं, 1 महीना दे सकते हैं। इसके बाद अपने चिकित्सक से पूछे, ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, चले हैं ससुराल। तो देखो ससुराल में तो अब हमें कोई बुलाता नहीं, घर जाकर के और रोटी खाना ये काम है, इसमें अब देर नहीं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए, आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक से एक आले, आले का मतलब शानदार, बढ़िया, मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। मेरा ये कभी मकसद नहीं है कि मैं सिर्फ सेक्सी सेक्स के वीडियो दूँ, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि एक बीमारी कई रोगों को ठीक करती है, तो उनका जिक्र उनके अंदर आना चाहिए, वो नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए एसिड फास एक बहुत बेहतरीन दवा है। हाँ, ये कैसे बनाते हैं, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं, ये सेफ दवा, इसके लक्षण मिलते हैं प्रयोग कीजिए। अथवा आप और कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, मान लीजिए आप लाइकोपोडियम ले रहे हैं, लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी ले लो, एग्नेस कार्ट से 30 पोटेंसी ले लो, और डेमियाना मदर टिंचर ले लो, और एसिड फास चाहे टिंचर में लो चाहे कैसे लो। तो अगर ऐसी 2-3 दवाइयां रोगी ऑलरेडी ले रहा है, और उनमें अगर फॉस्फोरिक एसिड का मदर टिंचर या पोटेंसी नहीं है, तो वो उसके अंदर अपने डॉक्टर से कह करके प्लस करवा सकता है, ताकि उसका रोग जल्दी ठीक हो। थैंक्स।